वॉन्ग का जिस मूवी का बजट सिर्फ 125 मिलियन डॉलर था, लेकिन इस मूवी ने दो दिन के अंदर 151 मिलियन डॉलर से ज़्यादा कलेक्शन किया। अपना बजट ऑलरेडी ये निकाल चुकी है और अब ये सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट बनाएगी। और कैप्टन मार्वल मूवी यानी कि द मार्वल मूवी तो इसके आसपास भी नहीं है। और इस वीडियो के अंदर हम लोग इसी मूवी का रिव्यू करेंगे जिस मूवी को फाइनली मैंने देख लिया। अगर इस मूवी की बेसिक स्टोरी की बात करें तो इस मूवी के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है वॉन्ग का नाम के एक लड़के की, जिसको चॉकलेट बनाने में महारत हासिल है। मतलब ये दुनिया की सबसे बेस्ट चॉकलेट बना सकता है और इसकी चॉकलेट कोई आम चॉकलेट नहीं है, वो मैजिकल चॉकलेट है जिसकी मदद से कई बार लोग हवा में उड़ने लगते हैं। मतलब कि अलग अलग तरीके की चॉकलेट्स बना सकता है और इसका सपना है कि ये शहर के अंदर अपनी एक दुकान खोलेगा जिसके अंदर ये चॉकलेट्स बेचेगा। लेकिन जब ये शहर पहुंचता है, क्योंकि इसके पास ज्यादा पैसे नहीं होते, गरीब हालत में ये शहर पहुंचता है और वहां पे इसको पता लगता है कि वहां पे एक बहुत बड़ा चॉकलेट कार्टल है। आपने आज से पहले ड्रग कार्टल सुना होगा जो अपने आगे किसी को टिकने नहीं देते, तो यहां पे चॉकलेट कार्टल भी है जो अपने आगे किसी और को टिकने नहीं देगा। और वॉन्ग का के वो लोग पूरी तरीके से खिलाफ है क्योंकि उनको पता है कि वॉन्ग का की चॉकलेट बहुत ज्यादा अच्छी है। दूसरी तरफ का को एक बहुत बड़ा धोखा मिलता है क्योंकि इसको पढ़ना लिखना नहीं आता, इस वजह से ये फंस गया और अब इसके ऊपर एक बहुत बड़ा कर्जा हो गया जिसको अगर इसे चुकाना है तो इसको 27 साल तक दिन रात काम करना होगा, तब जाके इसका कर्जा चुकेगा और ये मुक्त हो सकता है। अब इन दोनों सिचुएशंस के बीच में जहां पे कहीं पे भी ये संभव नहीं है कि ये अपनी चॉकलेट फैक्ट्री या अपनी दुकान लगा सकता है, तो ऐसे में किस तरह अपने सपनों को पूरा करता है वही आपको इस मूवी के अंदर देखना है। अब अगर बात करें कि ये मूवी है कैसी, क्योंकि आपको मैंने पहले ही बताया कि इस मूवी का बजट 125 मिलियन था और इसने दो दिन के अंदर ही 151 मिलियन डॉलर कमा लिए हैं, तो इससे आपको ये तो अंदाजा लग गया होगा कि इस मूवी का क्रेज चल रहा है। लेकिन आखिर ये मूवी है कैसी, तो देखिए ये एक प्योर इमेजिनेशन मूवी है जिस मूवी के अंदर आप लॉजिक नहीं लगा सकते। इस मूवी के अंदर पूरी कहानी चॉकलेट के इर्द गिर्द ही घूमती है। यहां तक कि नॉर्मल मूवीज के अंदर आपने देखा होगा कि पुलिस वालों को अगर कोई रिश्वत दे रहा है तो क्या देगा, पैसे देगा, लेकिन इसके अंदर वो लोग चॉकलेट देते हैं क्योंकि इस मूवी के अंदर चॉकलेट का बहुत ज्यादा क्रेज है। लोग चॉकलेट के दीवाने हैं, चॉकलेट के लिए जान भी दे सकते हैं, ऐसा कुछ हाल है इस मूवी के अंदर। और सारी चीजें लॉजिकली समझाई गई, आपको कहीं से भी ऐसा नहीं लगेगा कि क्या बकवास मूवी मैं देख रहा हूं, ऐसा कहीं से भी आपको नहीं लगेगा, हर चीज आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी। साथ में ये एक म्यूजिकल मूवी भी है, तो इस मूवी के अंदर चाहे हीरो हो या विलन, हर कोई अपना प्लान या अपनी बातें म्यूजिक की मदद से समझाते हुए आपको दिखेंगे, जो देखने में अगेन काफी अच्छा लगता है। और ये एक फैमिली मूवी है जिसको आप अपने बच्चों के साथ देख सकते हैं, ऐसा मैं बोल रहा हूं क्योंकि मैंने इस मूवी को देखा है। मुझे पता है इस मूवी के अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है जिसका आपके बच्चों के ऊपर गलत इंपैक्ट पड़े। इस मूवी के अंदर मैंने कहीं भी एक भी बच्चे को अपने माता पिता से तू तड़ाक करते हुए या उनका अपमान करते हुए नहीं देखा। इस मूवी के अंदर एक लड़की है जो बचपन से अनाथ है और उसका सपना है कि काश उसके पास एक माँ होती, पिता होते और वो लोग आराम से एक नॉर्मल जीवन जीते। वो अपने माता पिता के प्यार के लिए तरस रही है और साथ में जो वॉन्ग का कैरेक्टर है वो भी अपनी माँ से बहुत ज्यादा प्यार करता है। तो ये मूवी कहीं से भी ऐसी नहीं है जिसको आप फैमिली के साथ ना देख सकें, ये एक प्योर फैमिली मूवी है जिसको आप जरूर देखें अपनी फैमिली के साथ। बस एक ही दिक्कत है कि ये मूवी हिंदी लैंग्वेज में रिलीज नहीं हुई है, सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ही ये इंडिया के अंदर रिलीज हुई है। और अगर इस मूवी को आगे हिंदी लैंग्वेज में आना होगा तो सीधे OTT प्लेटफॉर्म पर ही आएगी, थिएटर्स में तो अभी के लिए सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ही रिलीज हुई है। बाकी इस मूवी के अंदर एक्टिंग की बात करें तो हर एक्टर की एक्टिंग बहुत अच्छी लगी मुझको, खासतौर पर दो मेन कैरेक्टर्स की, वॉन्ग का और ये लड़की, इन दोनों की एक्टिंग बहुत ज्यादा अच्छी है। कहीं कहीं ये दोनों आपको अपनी एक्टिंग की मदद से इमोशनल भी कर देते हैं क्योंकि इनके चेहरे पे वो दर्द दिखता है। जब इनके साथ कुछ बुरा होता है तो इनकी शक्ल देख के, इनके आंख के आंसू देख के, फेशियल एक्सप्रेशन देख के आप भी कहीं ना कहीं इमोशनल हो जाते हैं और इनका पेन फील कर पाते हैं। उसके साथ में कैरेक्टर डेवलपमेंट बहुत अच्छी तरीके से इस मूवी के अंदर किया गया, खासतौर पर इन दो कैरेक्टर्स का, वॉन्ग का और इस लड़की का, क्योंकि आप लोग इनसे इमोशनली भी अटैच हो जाएंगे। म्यूजिक भी इस मूवी का काफी अच्छा है, ओवरऑल इस मूवी का प्रोडक्शन बजट भी काफी अच्छा है क्योंकि इस मूवी के अंदर एक सीन आता है जहां पे एक पुलिस वाला होता है जो बोलता है कि मैं बहुत ईमानदार हूं, मैं इतनी जल्दी बिकूंगा नहीं, तो ये लोग उसको बोलते हैं चलो ठीक है 500 डब्बे ले लो चॉकलेट, तो बोलता है नहीं नहीं मैं नहीं बिकूंगा। जब उसको 1800 डब्बे मिलते हैं तब जाकर बिक जाता है, और 1800 डब्बों का क्या परिणाम होता है, क्योंकि चॉकलेट खा के इंसान मोटा होगा और समय समय पर आपको इस मूवी के अंदर वो इंसान मोटा होते हुए दिखता है। तो इससे पता लगता है कि इस मूवी का प्रोडक्शन बजट भी अच्छा है जो कि मैंने आपको ऑलरेडी पहले ही बता दिया था, और 125 मिलियन इस जैसी मूवी के लिए काफी अच्छा बजट है। ओवरऑल ये एक फन टू वॉच मूवी है जिसको आपको जरूर देखना चाहिए अपनी फैमिली के साथ। मैं ये नहीं कहूंगा ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कमाल की मूवी है जैसी मूवी आज से पहले कभी नहीं बनी, ऐसा नहीं है, लेकिन उसके बाद भी ये मूवी एक काफ़ी अच्छी मूवी है और बहुत समय बाद कोई ऐसी मूवी आई जिसको फैमिली के साथ जाके देखा जा सके। लास्ट टाइम आई थिंक सुपर मारियो ब्रोस मूवी थी जिसको फैमिली के साथ जाके देखा जा सकता था। इस मूवी के अंदर कोई भी एडल्ट न्यूड सीन नहीं है, प्योर फैमिली मूवी है जिसको आप देख सकते हैं फैमिली के साथ। मैं इस मूवी को रेट करूंगा 8/10 और आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।